हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज वाली जो ये क्लास है, ये क्लास ना होकर आंसर की है वनपाल के, जो वन रक्षक का जो एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, उसके हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने वो पेपर दिया या जो अब कल वाले पेपर्स देंगे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का, तो उस पर अपना रिव्यू है या डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस थे, मैथ के 30 के आसपास, मैथ और साइंस के 30 के आसपास आए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं जल्दी से आपको उनके आंसर्स बता रहा हूँ, मैथ्स और साइंस के मैं बता रहा हूँ। तब तक राजस्थान जीके के और आर्ट एंड कल्चर के पूनम मैडम इससे आपका डिस्कस हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें, शेयर कर दें सभी बच्चे। एक बार आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन ही मैथ का है, तो मैथ के क्वेश्चन के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का आपको दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन समझना कि पहला वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, x दे रखा है और 1 प्लस, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस आयोटा बोल सकते हो, या अगर ये आयोटा नहीं है तो आई है। अगर ये आयोटा है तो आंसर कुछ और होगा, और अगर ये आई है तो आपका आंसर कुछ और होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपका यहां पर आंसर क्या आएगा। मेरे अगर आयोटा है तो आपका आंसर जीरो आएगा, जिन भी बच्चों ने जीरो लगाया है वो सही है। और अगर ये आयोटा नहीं होकर आई है तो फिर मेरे हिसाब से बी ऑप्शन यानी वन प्लस आई आंसर हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको जीरो के लिए कंफर्म कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये आयोटा है। फर्स्ट, सेकंड है, एक ट्रेन के बारे में बताया कि एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से समान चाल से चल रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है, तो पार करते समय प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 है, तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, और 15 सेकंड में है अपने पास, तो यहां पर अपने पास तीन आप तीन से काट लो तो यहां पांच आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 6, 6 का ये 10 आ जाएगा, तो 250 हो गया। 250 में से आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दो तो 120 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? 120 आंसर आ जाएगा। ये सर्किल का टेंजेंट के कारण 90 डिग्री हो गया, तो यहां पर 10 आंसर आएगा। जो कोण आपसे पूछा है वो पूछा है एस पी आर, मेरे हिसाब से 10 आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो इसको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साधारण ब्याज का क्वेश्चन दे रखा है, आराम से आप रेशो बना लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 5000 को 2 से कर लो, यहां पर एक रेशो आ जाएगा, 3000 को आप 4 से कर लो, जो भी आपका रेशो आ रहा है उसको आप अरेंज कर लो, और अरेंज करने के बाद 5:6 आ जाएगा, 11 की वैल्यू के हिसाब से मेरे हिसाब से जो आपकी दर आएगी वो 10% आएगी, डी ऑप्शन, यानी जो साधन ब्याज वाला है 10%। थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं तो वो आप देख लेना। पांचवा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आपका सही आंसर है। फिर छठा क्वेश्चन, 8 छात्रों की औसत आयु 11 है, 15 और 17 वर्ष के आयु वाले 2 स्टूडेंट और आने पर औसत कितना होगा, तो औसत मेरे हिसाब से 11 में 1 जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा। फिर कार्य समय का क्वेश्चन है, कार्य समय का क्वेश्चन है, 10 पुरुष के हिसाब से 15 दिन में, पीछे वाला आपके पास आएगा, तो ये क्वेश्चन में मेरे पास है, मैं यहां पर इसको आपको ऑप्शन सहित बता देता हूं कि वर्क एंड टाइम का जो अपने पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था कार्य समय का था, और कार्य समय का जो क्वेश्चन था मैंने जो सॉल्व करा था वो है आपका, इसमें नीचे आपको ऑप्शन नहीं है तो उसको आप मैनेज कर लेना, 10 पुरुष का है, क्योंकि मेरे को भी इसमें दिख नहीं रहा नीचे की तरफ क्या है, तो जो मेरा आंसर आया था वो 6:2/3 आया था, 6:2/3 जो आपका आंसर आएगा, 6:2/3 आएगा, मैं कोशिश करता हूं इसमें है, देखो ये रहा, 6:2/3 आपका आंसर आएगा सेवंथ क्वेश्चन का, 6:2/3 आप आंसर मिलाते रहना और आगे बढ़ रहे हैं। मैं ले आऊंगा अभी। नेक्स्ट, फिर आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, 2 संख्याएं उनका गुणनफल 6760 है, ये मेरा बुकलेट का ही क्वेश्चन है, तो वहां पर आपके 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर आपके पास बन जाएंगे, तो 2 पेयर अपने पास आएगा, 40 आएगा तो एक तो बन जाएगा 1:40 वाला, एक 8:5 वाला बन जाएगा, तो 2 पेयर बन जाएंगे।
मैं सॉल्व नहीं करा रहा, सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, सीधा सीधा आप आंसर की पर बात करना। यहां पर नाइन्थ क्वेश्चन है, कोई देखो कोई भिन्न है, आपने उसको उसी से गुणा कर दिया तो वो खुद ए स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर उसका व्युत्क्रम से भाग कर दिया। अगर व्युत्क्रम से भाग कर दिया तो व्युत्क्रम बी और ए होता है, लेकिन गुणा नहीं करा, भाग करा, तो ये वापस ए ऊपर ही आ जाएगा और बी नीचे ही आ जाएगा, यानी ए क्यूब और बी क्यूब बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 512 बटे 27 आ जाएगा, और इसका जो क्यूब रूट निकाल लोगे तो 8/3 आ जाएगा, और 8/3 के हिसाब से आप इसमें डिवाइड करके देख लो कौन सा अपने पास 8/3 लेके आता है, तो 8/3 मेरे हिसाब से 6, और ये बी ऑप्शन आ जाएगा 2 से 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 से 2/3। दसवें क्वेश्चन का जिसमें डॉट दे रखा है, नीचे 21 दे रखा है, 189 दे रखा है, उसका जो आपके पास आंसर आएगा 63 आएगा। सभी बच्चे अपने अपने आंसर चेक कर सकते हैं, तेज गति से करा रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों के कल पेपर है, तो वो एक बार सॉल्व कर ले, और इत्मीनान से दिखाई नहीं दे रहा, आप हो सकता है छोटा और बड़ा कर देता हूं मैं इसको। अब देखो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपका आंसर आएगा 12th का 57 आएगा। सॉल्व अपन किसी और दिन कर लेंगे, मैंने सॉल्व करके ही आंसर लगाए हैं सारे, तो 57 आएगा। इधर अगर आप बात करें 13वें के चीनी के दाम के 20%, कल वाले में ही क्वेश्चन हमने करा था जब प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे थे, 20% की कमी होने पर 240 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक खरीदते हैं, तो चीनी का प्रतिकूल भाव आपको बताना है, और जो भाव है वो ओरिजिनल रेट बतानी है, ओरिजिनल प्राइस बतानी है, मूल आपके पास प्राइस बतानी है। तो देखो 240 रुपए है, 20% डाउन हुआ है भाव, डाउन हुआ है, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 4 इसका आ जाएगा और 40 का, यानी 48 रुपए में हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं 6 किलो, तो 8 तो आज का भाव हो गया, आज का भाव 8 है और 20% के हिसाब से कम हुआ है, तो ये अपने पास प्रीवियस जो भाव आएगा वो 10 रुपया पर केजी आएगा, 10 रुपया पर केजी होगा। 13वां क्वेश्चन, इसके बाद माध्यिका वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 90 डिग्री पर काटती है तो 90 डिग्री पर पाइथागोरस यूज कर लेना, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर यहां पाइथागोरस आप यूज कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है लेकिन मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो माध्यिका वाला जो क्वेश्चन है वो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। एक व्यापारी ने 80% अधिक अंकित करा, 25% की छूट दी, तो 10%, ये भी हमने कल ही क्वेश्चन करा था, तो 10% की कमी क्योंकि प्रॉफिट लॉस चल रहा है हमारा चैप्टर, तो यहां पर आपके पास 50% आंसर आएगा, शुद्ध लाभ 50% होगा। 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, 15 के बाद अब आपके पास साइंस के आएंगे, रेडार, जिन भी बच्चों ने ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ा है रेडार का, मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन आप देख लेना, वहां पर मैंने आपको दिया है, पहला ऑप्शन आ जाएगा रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, क्लियर है। फिर यहां पर भी डिस्कस हो चुका अपना गोल्डस्टीन प्रोटोन की है, मैं रदरफोर्ड के लिए डिस्कस करता हूं यहां पर कि गोल्डस्टीन आएगा प्रोटोन के लिए, चैडविक इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, जेजे थॉम्सन और डाल्टन अगर आप बात करें तो जेजे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा और डाल्टन परमाणु सिद्धांत के लिए आ जाएगा, तो यानी गोल्डस्टीन में प्रोटोन आ गया यानी सेकेंड ऑप्शन, और जेजे थॉम्सन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा ए आएगा, गोल्डस्टीन प्रोटोन, चैडविक इलेक्ट्रॉन, जेजे थॉम्सन सॉरी चैडविक न्यूट्रॉन, जेजे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ये मिटा देता हूं भाई, कौन सा जल सूचकांक यानी अच्छा अब्जॉर्वर है, तो मेरे हिसाब से सिलिका जेल बहुत अच्छा एब्जॉर्वर है, तो आंसर देख लेना, साइंस के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। इसके बाद है मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलाने के समय वाष्पित होना ज्वाला का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं, बिल्कुल नो डाउट, आप देखो खुद भगवान जी की जब आप पूजा करते हो तो ज्योत के लिए जब आप उपला लगाते हो तो वहां पर घी डालते हो, घी से ही तो ज्योत बनती है, तो
तो घी ने क्या करा, वाष्पण करा और एक ज्वाला का निर्माण करा। कपूर, कपूर आप जलाते हो तो जो पदार्थ वाष्पित होंगे वो ज्वाला का निर्माण करेंगे। दोनों चीज सही है, दोनों कथन सही है, और पहला जो कथन है उसी के बारे में दूसरा कथन बता रहा है। तो पहला और ये ए ऑप्शन आएगा सत्य, और कथन सेकंड दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन दोनों बात सही है भाई। जूम कर देता हूं थोड़ा सा, क्लियर है, ये डिस्कस नहीं हो रहा, आंसर बता रहा हूं सिर्फ, एक चीज समझ लेना, ये डिस्कस नहीं है। आप सिर्फ अपने आंसर को मिला लो और क्वेश्चंस को देख लो। आप हल्दी किस का जो पाउडर बनता है सभी को पता है, हल्दी एक प्रकंद है और सूखने पर इसी से आप पाउडर बनाओगे, तो सूखे प्रकंद से। क्लियर है, और जूम कर देता हूं, आप सुनते भी जाओ जिन्होंने ये पेपर दिया है, और शायद मेरे हिसाब से आंसर की जो बनेगी वो ये वाली जो बेस्ट आपको मिलेगी, शायद ही कोई क्वेश्चन आपको इसमें गलत मिले। इसके बाद है कैल्शियम, हम कैल्शियम का ही एग्जाम्पल पेपर में जब भी मैं बोर्ड पे कराता हूं कैल्शियम आपको मैं बताता हूं 2882, और आंसर की को बता रहा हूं थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहा। तो कैल्शियम 20, आर्गन का आपने 18 दे रखा है, दोनों का द्रव्यमान सेम आ रहा है, तो वो क्या होंगे आइसोबार, आइसोबार आपका आंसर आएगा। सभी को पता है लाल मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है, इसीलिए उसका नाम भी हल्का सा आप अगर देखो कैप्सासाइन, उस अम्ल का नाम है जो इसमें पाया जाता है जिससे तीखापन रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को अच्छा लगा। पायरोमीटर का प्रयोग किस नापने में होता है, काफी बच्चों ने सूर्य के धब्बा को करा, ये सूर्य के विकर्ण नापने के लिए होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, सूर्य का विकर्ण नापने के लिए है, और मेरे पास फटेगा ये। और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, निम्न में से कौन सा मानव, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग अपनी अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ आपका अवशेषी अंग है, ये ध्यान रखना, अक्कल दाढ़ आपका अवशेषी अंग है। क्लियर है, इसके बाद संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपना करता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी मैं करवा चुका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर अपन ले, उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन में आदर्श होगा, उच्च सीटेन संख्या और निम्न ऑक्टेन संख्या के लिए, जैसे अच्छी ऑक्टेन संख्या होती है तो अच्छा ईंधन होता है, तो मेरे हिसाब से डीजल आपका आंसर आएगा, डीजल इंजन, डीजल इंजन आपका आंसर आएगा, उच्च सीटेन संख्या और निम्न ऑक्टेन संख्या ईंधन के रूप में डीजल आंसर होगा। क्लियर है, संवेग का मात्रक आपसे पूछा है, तो संवेग आपको पता ही है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये फट जाएगा सारा, आगे बढ़ते हैं भाई। पेट्रोल के एथिनिल डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होगा, तो आपको सभी को पता है ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाएगी, ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाएगी, चेक करें, ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है 29, पायस के कुछ पायस के गुण क्या हैं, पायस प्रकाश प्रकीर्णन करता है इसलिए वे टेंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है,
तेलीय पायास जलीय पायास की अपेक्षा अधिक विस्कफ चिपचिपा होता है, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों ही सही हैं भाई। टंडन प्रभाव से कलर आप सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म है लेकिन कलर सॉल्यूशन जो बार बार चेंज होंगे टंडन प्रभाव से ही होंगे, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। यहां पर देखें आपके पास तनाव विकृति वक्त में लोच सीमा क्या होती है, यानी एक इलास्टिक है वो किस सीमा के बाद प्लास्टिक में बदल जाएगा, यानी उसमें चेंज ना हो सके उस चीज के बारे में हो रही है। तो बिल्कुल है, वहां तक अगर बाहर हटा दिया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त किया जाए, तो सी ऑप्शन आपके पास आएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर सही है, क्लियर है, सी ऑप्शन आपके पास सही है इसका आंसर, तीसवें का सी। इसके बाद राजस्थान, अब करंट अफेयर आ गया है, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं करंट अफेयर के। राजस्थान 2022 में जो उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, कार्यकारी कुछ है, तो मेरे हिसाब से सिंधे संभाजी शिवाजी, यह आंसर सही है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास जो आंसर है, राजस्थान नगर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो संशोधन हुआ है कि वरिष्ठ नागरिक सहायता के लिए ले जाने वाली जो उम्र है 65 के स्थान पर क्या पढ़ी जाएगी, तो 65 के स्थान पर पढ़ी जाएगी 60 ये क्या है, संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने की जो उम्र है वो 65 के स्थान पर आपके पास पढ़ी जाएगी 70 पढ़ी जाएगी, क्लियर है। और जो दिव्यांग है कोई है वो 60 उम्र वाला ले जा सकता है, क्लियर है। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख ले एक बार, किसी का भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो वो एक बार देख ले। यहां पर दिव्यांग वाले जो वरिष्ठ नागरिक वाले का जो आंसर आएगा वो 70 आएगा, हाँ सही है। इसके बाद आपके पास है जुलाई 2022 के अंदर राजस्थान के किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमयू पर हस्ताक्षर हुए हैं 1338 करोड़ के, तो वो सभी को पता है जापान, जापान आपका राइट आंसर होगा, जापान आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बाल गोपाल योजना के बारे में बात है। बाल गोपाल योजना के लिए है कि भाई बाल गोपाल योजना क्या है, तो आपको सभी को पता है 8वीं तक के जो बच्चे हैं, बीच में बंद हो गई थी, दो बार दूध उपलब्ध कराया जाएगा 8वीं तक के बच्चों के लिए, क्लियर है। 31 में मैं एक बार देखें 31 में किसको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मुख्य कार्यकारी आप एक बार देख लेना, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के लिए हो सकता है वो मुख्य वाले वो जो सिंधे जी हैं वो बन गए हो। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चेक कर लेना आप। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक एक राजकीय जून 2000 में अशोक गहलोत जी ने एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करा है, तो वो कहां पर करा है, तो वो आपके करा है जोधपुर और डूंगरपुर का एक एक जो विद्यालय है उसको लिया है जोधपुर और डूंगरपुर के लिए, क्लियर है, सभी एक बार देख ले। मंगल सिंह को जोधपुर के लिए, जोधपुर की जो शाखला पंचायत समिति है वहां पर मंगल सिंह नाम के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए, और डूंगरपुर में धूलजी भाई वर्मा उनके नाम पर स्कूल लगाया गया, ओके, नामकरण कराए। अब देखो ये 36वां क्वेश्चन है ना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, मार्च 2022 का पूछा है, आज़ादी का अमृत उत्सव के तहत जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। तो आज की तारीख में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट स्थान है, और इससे पहले देखूं तो सेकंड स्थान है,
मेरे हिसाब से तीसरा चौथा, मैं इसमें कंफ्यूज हूं क्योंकि मेरे हिसाब से दूसरा स्थान था और आज अब अगर आप देखोगे तो पहला स्थान है पोर्टल पर अपलोड करने में संस्कृत मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो बताया गया उसके बारे में बात हो रही है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को मैं कोई आंसर नहीं बता रहा इसका, 36वें का क्लियर, 36वें का मैं आंसर नहीं बता रहा। प्रेजेंटली फर्स्ट पोजीशन पे है राजस्थान और कुछ समय पहले सेकंड पोजीशन पर था। किसी समय जब स्टार्टिंग में 2021 के अंदर मई की बात कर रहा हूँ, सॉरी मार्च की, तो वहां पर 20वां स्थान था स्टार्टिंग में। तो आपको ये देखना है। आगे बढ़े भाई, आगे का जो अपना जो REVP में ई का अर्थ बताना है, अशोक गहलोत जी ने लॉन्च करी थी वहां पर है। तो आपको सभी को पता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो ई का यहां पर आंसर आएगा इलेक्ट्रिकल। फिर है गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना सेंटर गवर्नमेंट की है और जो बायोडीजल बनाने के लिए और बायोफ्यूल बनाने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन अपना आप ही लग गया यहां पर, देखो वो टिक लगा हुआ है, लेकिन मैं संचोर जालोर, संचोर जालोर इसका राइट आंसर है, संचोर जालोर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ITI पोर्टल 2.0 आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सभी को पता है सूचना के लिए, तो राज्य सूचना आयोग। क्लियर है? इसके बाद है आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो कार्यकाल है वो अभी बढ़ाया गया है, तो आपको बताना है कि वो कब तक बढ़ाया गया है, ये पूछा गया है। पहले ये 2002 था और अब जो ये बढ़कर आपके पास हो चुका है दिसंबर 2023, जो आंसर आएगा दिसंबर 2023 आंसर आएगा। क्लियर है? सुनील मीना कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं? 1RS है सर जी, फर्स्ट RS नहीं समझ आ रहा, एक बार बताना। मैं इस वाले पे हूं, आगे चलते हैं, करंट वाले करा रहा हूं, बाकी अब 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी फिर आर्ट एंड कल्चर चालू हो जाएगा, फिर पूनम मैडम इनका करा देंगी। देखो भाई, अधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, नो डाउट भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर केवल एक पहला वाला कथन सही है। क्लियर है? राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे, ये सभी को पता होगा। क्लियर है? लक्ष्मण सिंह, दो आंसर मैंने आपको बता दिया, आप चेक कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं है? जनगणना नहीं है भाई, ग्राम सभा जनगणना का कार्य नहीं करेगी। क्लियर है? और यह भी सभी को पता होगा कि महिला दिवस पर किस मुख्यमंत्री का बर्थडे आता है? तो वसुंधरा राजे, उसी दिन से महिलाओं को बसों में फ्री महिला दिवस के अंदर छूट मिली थी, तो ये सभी को पता होगा। इसके अलावा सबसे अधिक विधानसभा कहाँ होंगी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, जनसंख्या के अनुपात पे ही विधानसभा सीट होती हैं, तो ये अपने पास जयपुर हो गया। क्लियर है? उदयपुर राज्य राजस्थान में कब विलय हुआ? जब मेवाड़ विलय हुआ, तो मेवाड़ के साथ उदयपुर तो है ही है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 18 मार्च 1948। अब इसके अलावा वाले जो क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन हैं वो पूनम मैडम बताएंगी, क्योंकि वो हैं आर्ट एंड कल्चर के। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन इसमें मैंने कुछ आंसर की से मैच आपकी से नहीं कर रहा है, तो एक बार आप मेरे को बता सकते हो, तो जिससे कि आगे मैं उसको करेक्ट करा दूँ। एक मुख्य न्यायाधीश जो कारवाक है उसके आप देख लेना एक बार, बाकी मेरे हिसाब से मैथ का कोई गलत नहीं है, साइंस का कोई गलत नहीं है, और एक मेरे के हिसाब से जो संस्कृति पोर्टल पे अपलोड करने था उसमें
राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। इससे पहले स्थान वाला राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। हाँ, अब राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है, लेकिन उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उस क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन को मैंने स्किप करा है। कुछ समय पहले दो था, मैंने अखबारों में जब पढ़ा था। आज वाले अभी अगर आप देखो तो वहां पर मार्च दे रखा है 2022, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। क्लियर है? अब पूनम मैडम आगे का क्वेश्चंस करेंगी, तो ऐसे आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? ठीक है, तो हाँ, गुड इवनिंग सभी लोगों को जी। क्वेश्चन देखें अपने, थोड़ा सा पिक्सल जरूर कट रहा है, लेकिन मैंने देखा है फोन पे वो नजर आने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उदयपुर राजे का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आप लोगों को बताना चाहिए वैसे तो आंसर, उदयपुर राजे का राजस्थान में विलय कब हुआ। हाँ जी, खूब कराया मैंने। राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है 18 मार्च 1948 के दिन, तो 18 मार्च के बाद में 25 मार्च 1948 के बाद उदयपुर का विलय हो जाता है 18 अप्रैल, बस ये ध्यान रख लेना 18 अप्रैल 1948 को। कंठस्थ याद कराया हुआ आप सभी लोगों को, ठीक है आगे बढ़ जाए। चावन महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक राजधानी रही है? तो निकालो आप लोग, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 1585 में राजधानी बनती है, उसके बाद 1597 1597 जब तक महाराणा प्रताप जिंदा होते हैं तब तक राजधानी रहती है। तो बताओ आंसर क्या जाएगा 1597 और ये, तो आंसर चला जाएगा कितने साल है, 85, 10, 95 और 2, ये 12 साल तक। कितने साल तक राजधानी रहती है? 12 साल तक, ठीक है। उसके बाद में निमाड़ी उपबोली बोली जाती है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके सामने भी है। हाँ जी, कहाँ गया पेपर, ठीक है यही पेपर है निमाड़ी, आप सभी को पता है इसका आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा अगला क्वेश्चन वैसे लगेगा ये स्लाइड। हाँ तो ये स्लाइड आ गई आपके सामने, और हाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाणा कुंभा के लेख पर प्रकाश डालता है? फ्री वाली बसें नहीं होती तो शायद पेपर नहीं देने जाता। वाह क्या लिखा हुआ है इसने स्टेटमेंट, फ्री वाली बसें नहीं होती तो पेपर देने नहीं जाता। हाँ जी, इस सवाल का आंसर करें, बताएं मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा पर प्रकाश डालता है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ठीक है ठीक है। जो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा इस पेपर में गए, चलो देख लेंगे और भी कोई बात होगी तो, ऐसे है ना। अगला है ये कथन आप कर लोगे, लूणी नदी के किनारे बागोर सभ्यता पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। तो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी का बागोर से थोड़ा सा देखो, लूणी नदी का बागोर से थोड़ा सा लेना देना है ये नहीं। उसके बाद में आहार स्थल का संबंध, नवपाषाण काल से कालीबंगा में दुर्ग स्थित निचला नगर प्राचीर दोनों युक्त मिले हैं, आप करें। कीर्ति प्रशस्ति आएगा, नहीं कीर्ति प्रशस्ति तो है ही है इसमें आंसर, कीर्ति, हाँ रुको एक मिनट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति करना है इसमें आंसर, क्या कर दिया ही मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, इसका आंसर करो, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ आज इसमें, अभी भी नहीं दिख रहा सुनील जी, बताओ इस सवाल का जवाब बताओ, लूणी नदी वाला, लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर सभ्यता। कौन सा पेपर सर ने शेयर कर दिया?
ठीक है, कंटिन्यू दिख रहा है ना। तो इसमें देखो, लूणी नदी बागोर, ये वाला आपका गलत हो जाता है। आहार स्थल का संबंध नवपाषाण काल, ये भी गलत हो जाता है। कालीबंगा में दुर्ग, निचला नगर दोनों प्राचीन मिले हैं, ये वाली बात आपके सही है। अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कोटा, इसमें सही और गलत पूछ रहा हूँ। अच्छा, दिख रहा है क्या थोड़ा सा मुझे, आप ये बताएं। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, तो ये बात गलत है। 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है। ब्राह्मण देवता की छतरी ठीक है, मामा मांझा की छतरी जयपुर में नहीं है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। तो ये हो गया 2 सही है और 4 सही है। 2 और 4 ऑप्शन में कहाँ है? 1, 2, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा मुझे तो। 1, 3, पहला तो गलत है, जहाँ 1, 1 गलत है, केवल 1 सही है। अच्छा, गलत ढूंढना है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने, गलत ढूंढना है। तो गलत कौन कौन सा हो गया? गलत हो गया ये 84 खंभों की छतरी, ये गलत है, और उसके बाद में ये गलत है। तो 1 और 3, 1 और 3 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 84 खंभों की छतरी तो एक तो अपने अलवर में, दूसरी बूंदा में, बूंदी में, और मामा भांजा की छतरी यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस अन्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो सुदर्शनगढ़ का किला ने किस नाम से जाना जाता है? अरे, तो कौन से किले को सुदर्शनगढ़ कहते हैं? यही तो नाहरगढ़ का दुर्ग, इसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये क्वेश्चन परसों वाली क्लास में चले जाओ आप, उसमें कराया हुआ है मेरे। ठीक है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? परसों की क्लास में, कल नहीं करवाया, परसों नहीं कराया, उससे एक दिन पहले जो क्लास हुई, क्वेश्चन सीधा आया हुआ है। और ये क्वेश्चन किसी के भी यूट्यूब चैनल में जल्दी से नहीं मिल रहा, और मैंने जस्ट 2 दिन पहले क्वेश्चन करा हुआ है। स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो जो टेलीग्राम से जुड़े हुए आंसर को निकाल सकते हैं। इस सवाल का आंसर जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्राचीन भारतीय लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 चौम का शिव मंदिर कौन से जिले में, बताओ इस सवाल का। अरे, ये क्या है, 4 चौम का शिव मंदिर बताओ जल्दी से कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। हाँ जी, कहाँ गया क्वेश्चन? दूंग जी, जवार जी, सारी चीजें। ये मैंने जहाँ पे करवा रखा है वो चीज़ें मैं एक बार देखती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे करवाया हुआ है, ये आंसर जाएगा कोटा। आप लोग जब शिव मंदिर वाला वो निकालेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन करवा रखा है अपन ने। ठीक है, तो 4 चौम का शिव मंदिर जाएगा आपके कोटा। अगला क्वेश्चन पेपर है ये तो जी। अगला क्वेश्चन है ये नंबर 1। हाँ जी, तराइन का प्रथम युद्ध आसान है, इसको निकाल सकते हो। गिरि सुमेल का युद्ध 1544, दिवेर का युद्ध 1582, हल्दीघाटी का युद्ध 1576, और तराइन का पहला युद्ध 1191। तो 1191 पहले हो गया, यानी कि नंबर 1 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पे हल्दीघाटी का युद्ध, ये तो 1576 है, तो 1544 गिरि सुमेल का युद्ध। 2 ये 1 और 4, पहले नंबर पे 1 आएगा, दूसरे नंबर पे 4 आएगा, ये आंसर चला जाएगा बी। सबसे पहले हुआ आपके तराइन का युद्ध, फिर हो गया गिरि सुमेल का युद्ध, उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध तीसरे नंबर पे, वो आ जाएगा 2 ऑप्शन, और उसके बाद आ जाएगा दिवेर का युद्ध, यानी कि 3 ऑप्शन, 1, 2 और 3। ईयर लिख दिए, अगर कहीं दिक्कत भी आए, गलती लगे आप लोगों को, तो ईयर से आप मिला लेना। डोंगजी जवाहर जी कौन से जिले के थे? तो डोंगजी जवाहर जी थे सीकर जिले के। कौन से जिले से संबंधित है? शेखावटी कहा जाता है, और जिला हो गया आपका सीकर। ठीक है,
मीना क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन में ये कट रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है मीना क्षत्रिय सभा वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पढ़ाया हुआ है मीना क्षत्रिय सभा, अच्छा ये यहाँ पर ही गलत लग रहा है, 1933 इसका आंसर जाएगा 1933, मैंने ये क्वेश्चन ऐप की क्लास में पढ़ाया और वैसे ही अपनी क्लास में ये पढ़ाया आप लोगों के, ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। राव बीका ने कब स्थापना करी? तो इसको हटाओ, 1488। देखो ये क्वेश्चन वैसे भी आंसर इतना सरल था, 13 सेंचुरी का कोई लेना देना नहीं राव बीका से, 1539 का नहीं है, 1459 में तो जोधपुर शहर की स्थापना होती, अगर वो सवाल पूछता 1485 86 87 88 तो भी कंफ्यूज होता, आंसर खुद कह रहा है मैं आंसर हूँ, ठीक है ठीक है, ये वाली बात तो सरल है, ये वाला सवाल भी आंसर खुद ही निकल जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है ये, बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो बेणेश्वर का मेला भरता है माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा, तो ये बात आप ध्यान रख लेना, डूंगरपुर बेणेश्वर का मेला सबला ग्राम वहाँ पर पड़ता है और संत माऊ जी की यहाँ पर पीठ भी है, सोम माई जाखम तीनों नदियाँ यहाँ पर आकर के मिल जाती है, तो ये वाली बात भी आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, तारा शर्मा, एक बार आप आंसर करें तारा शर्मा का, मैंने क्वेश्चन कराया क्या? हाँ जी, इस सवाल का आंसर आप करें तारा शर्मा का एक बार जल्दी से, हाँ ये भी मेरे कराया हुआ क्वेश्चन है, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई नृत्य कला में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में तारा शर्मा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और सबसे बड़ी बात भवाई नृत्य सामान्यतः गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इनका नाम शर्मा, ये वाली बात भी मैंने मेरी क्लास में आप लोग को बताई थी, ठीक है। विग्रहराज रचना हरकेली बताया हुआ सवाल है, विग्रहराज रचना जो हरकेली है ये नाटक है, पूरी डिटेल बताइए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है ये, लाल नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लाल नाथ जी के बारे में एक बात ध्यान रख लेना आप, लाल नाथ जी जो है वो जसनाथ संप्रदाय के संबंधित है, मिल गया, जसनाथ संप्रदाय, ये रहा, इसमें कोई गलती मत करना, लाल दास होता तो आंसर कुछ और हो जाता, लेकिन ये लाल नाथ है, लाल नाथ, तो लाल नाथ जी का आंसर जाएगा जसनाथ संप्रदाय, तो जसनाथ जी के बाद में ये प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं, कालल दे जो उनकी पत्नी होती है जसनाथ जी की, वो दोनों साथ में सती हो जाते, वो दोनों समाधि ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, बिलाड़ा का संबंध किससे है? आई माता, ये तो आप बच्चों वाला सवाल है, कर दोगे सीधा, आई माता कहाँ से आई थी? गुजरात से आई थी, खूब याद कराया था मुझे इसमें सिर्फ गलती का पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, तो आई माता, बिलाड़ा का मतलब आई माता, खुंगाली आभूषण, ये साफ नहीं दिख रहा मुझे, हाँ जी खुंगाली आभूषण है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो गले का ही होगा, साफ शब्द नहीं दिख रहा मुझे, हाँ खुंगाली लिखा हुआ है, तो खुंगाली आभूषण आपके गले का है। चित्रकार नसीरुद्दीन और साहिबुद्दीन कौन से चित्रकला से हैं? ये क्वेश्चन अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, चित्रकार जी, एक मिनट, अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यहाँ पे दीन लगा हुआ है, ठीक है, और ये जाएगा आपके जयपुर। अगला है ये, अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, पन्ना मीणा का कुंड, आप लोग कर दो इसको सीधा, आमेर होता है, आमेर ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक ही बात है आपके आंसर चला जाएगा जयपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटल कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर चला जाएगा आपका सांभर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है उसके बाद कह रहा है,
तो जोधपुरा सांबी कालीबंगा गंगर बालाथल कांतली और ओझियाना खारी, तो इसमें आ जाएगा बालाथल। ठीक है, बालाथल कांतली नदी के किनारे नहीं है, कांतली नदी सीकर में, बालाथल अलग है। उसके बाद में कौन से लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, कौन से लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, पाबूचित इसमें आ जाएगा मल्लीनाथ जी। ठीक है, रागमाला, तो रागमाला कौन से चित्र शैली के चित्र हैं, उदयपुर। उसके बाद है आंगी बाण, ठीक है आंगी बाण, इसमें कहीं कोई गड़बड़ ऑप्शन में नहीं हो जाए जी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको, ये क्या लग रहा है, आंगी बाण वाला जाएगा आपके जय नारायण व्यास। ठीक है, उसके बाद में है सूची एक को सूची देव से सम्मिलित कीजिए, तो अच्छा रुको एक बार रुको। ठीक है, जगदीश मंदिर, अच्छा जसवंतधड़ा सब कर लो, जोधपुर में सबको पता है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में, उसके बाद में एक में आ रहा है आपके तीन, ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गए, और दो में आ रहा है जोधपुर लालगढ़ महल बीकानेर, यानी कि ये बीकानेर, तो दो में आ रहा है आपके चार, आंसर जाएगा ये, कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सी में हो गया दो और उसके बाद में जगदीश मंदिर आपके उदयपुर, तो इसका आंसर हो गया है ये। जसवंतथड़ा जोधपुर, लालगढ़ महल बीकानेर, फूल सागर आपके हो गया बूंदी और जगदीश मंदिर चला गया उदयपुर। क्या समझ में आ रहा है क्या, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ये मत्स्य संपदा योजना, ये योजनाएं हैं ये आप लोग कर लेना, मैं इनके बारे में पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगी। उसके बाद में फेटा क्या है, पुरुषों का आभूषण है, सिर की पगड़ी है, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, ओढ़ने वाला लबादा है, फेटा सिर पर ओढ़ने की एक पगड़ी टाइप का होता है। उसके बाद में अगला है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लूँगी। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, सांसी का सभी को पता है, इसमें आंसर होगा भरतपुर। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपके भरतपुर, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करने वाली। अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, ये ज्योग्राफी का है, वैसे तो मालाणी जो है क्या होती है, तो मालाणी कहलाती है कांकरेज, थार पारकर, राठी और गिर कांकरेज, तो मैं ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी आप लोगों को आंसर। और 0 से 6 वर्ष का जाएगा आपके झुंझुनू, ये मुझे थोड़ा सा जानकारी, इसलिए किस जिले में ब्लैक पॉटरी फूलदान, ब्लैक पॉटरी कोटा, सरकार ने हाल ही में तेंदुए का संरक्षण, ये आप कर लेना अपने हिसाब से, तेंदुए का संरक्षण वाला। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन ये, हाँ जी ये ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी आप लोग खुद से कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद पटेलिया, लालर, मूमल और बिच्छू, ये क्वेश्चन मैंने 10 बार करा दिया, कम से कम 10 टाइम, मुझे थोड़ा अच्छा लगता था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको मैंने करा दिया। ठीक है, तो पटेलिया, लालर, बिच्छू, तो इसका आंसर जाएगा बिच्छू, लोक, भले ही आपको बिच्छू लग रहा है लेकिन ये लोकगीत है। ठीक है, पटेलिया, लालर, मूमल और बिच्छू लोकगीत है, ये क्वेश्चन मैंने 10 बार तो करा दिया अपनी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन, मैराथन यानी कि दौड़ लगाना यानी कि दिवेर का युद्ध, थर्मोपल्ली होता तो हल्दी घाटी हो जाता। ठीक है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, अभी कल परसों क्लास में पढ़ाया, दादू दयाल जी, बहुत जीके वाले सरल जो क्वेश्चन है, बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया ये तो, ठीक है ये आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को उपाधि किसने प्रदान की थी, तो शाहजहाँ ने की थी, जहांगीर ने की थी, शाहजहाँ ने की थी। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर, देख लेना, ज्योग्राफी वाले में मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। ठीक है, मेट्रो वाला आप देख लेना, महान सीमा भ्रंश नहीं बताऊँगी आप लोगों को, हस्तशिल्प ये पता है राशि को। ठीक है,
ये राजसिक आंसर हो गया इसका, जो हस्तशिल्प के लिए उत्तरदायी है। वह स्थान प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है, रैंड, और ये कहाँ पड़ता है आपके टोंक में। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजा दीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में पड़ेगा आपके पुर, कौन सा, धौलपुर। ये कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पहले अपन को धौलपुर लिखना पड़ेगा। इधर अपन लिखेंगे धौलपुर, ये हो गया धौलपुर। उसके बाद में धौलपुर के बाद पड़ेगा अजमेर, अजमेर के बाद पड़ेगा पाली, और पाली के बाद पड़ेगा जैसलमेर। ये चलेगा 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1, सी ऑप्शन जाता है 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है पंजाब शाह का उर्स, सभी को पता है 2.5 दिन का झोंपड़ा जब लगता है, भरता है, उसे पंजाब शाह का उर्स कहता है। ये अजमेर जिले में 2.5 दिन का झोंपड़ा, मैंने बताया था या तो 2.5 दिन में बन गया था, या फिर ये 2.5 दिन जो है उसमें इसका पंजाब शाह का मेला रहता है। राजस्थान के कावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठो अकाल, तो अर्धकाल जो है उसके बारे में ये वाली बात कही गई है। अगला है ये, ख़त्म, बस इतने से क्वेश्चन आए थे क्या? अभी तो इसमें और भी है, सुदर्शनगढ़ वगैरह वाले सारे के सारे, ठीक है। ये पहली वाली जो शिफ्ट है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टफ था, और वो क्वेश्चन कौन सा है जी, एक मिनट, एक क्वेश्चन जीके में थोड़ा सा टफ आया है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, और उसका ऑप्शन होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो मैंने आपको कराया है। यानी कि आप सरल क्वेश्चन के साथ साथ जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कर पाओगे अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हो। तो बताना मुझे रिव्यू एक बार थोड़ा सा कैसा आपका पेपर हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कितने हो रहे हैं, ताकि हमें एक अंदाज़ा लग जाए।